आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग में जो लोग भी मिलीनियर्स बने हैं, चाहे वो ब्लॉग से मार्केटिंग करें, चाहे वो एड्स के थ्रू मार्केटिंग करें, चाहे वो ऑर्गेनिक लाइक पिंट्रेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे, अगर ये लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग मिलियंस, तो वो किसकी वजह से आपको पता है? निशेस की वजह से, माइक्रो निशेस की वजह से, क्योंकि जो उनका फोकस है वो सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक निश पे है, जिसको वो जीरो से हीरो तक की जर्नी तक ले जा रहे हैं एंड जिससे वो लाखों करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में गाइज मैं आपको ऐसे टॉप के 11 कितने 11 निशेस बताने वाला हूं, वो निशेस जो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा या किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको बताया गया होगा। तो अगर आप ये सारी निशेस जानना चाहते हो और उन पे काम करोगे तो लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ज्यादा लोग अभी तक उस पे काम नहीं कर रहे। सो दोस्तों आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नए में मानो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन प्रेस कर दो, यहाँ पर आपको मिलती है बेस्ट से बेस्ट नॉलेजेबल वीडियो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन प्रेस कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो या नहीं, तो नीचे लिख कर जरूर बताना। आलस बुरी बला है मैंने सुना था, तो आलसी मत बनना, लेट्स गो। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाओ और यहाँ पर हम लोग चलते हैं youtube.com में और मैं वहां पर आपको दिखाऊंगा निशेस, जिन निशेस को आप फॉलो करने वाले हो ऑन शॉर्ट्स। एंड ट्रस्ट मी, ये जो निशेस हैं विल मेक यू सुपर रिच अगर आप इनके साथ सही से काम करते हो तो। राइट, यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर लिया है निशेस और ये माइक्रो निशेस है और काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। राइट, सो लेट्स गो। सो गाइस जो सबसे पहली नीश है वो है ऑफिस गैजेट्स। राइट, अब हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पर ऑफिस एंड गैजेट्स। राइट, सो हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत कम लोग इन चीजों पे काम कर रहे हैं, इन नीशेस पे काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ऑफिस गैजेट्स लिखा है तो आप देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑफिस में यूज होने वाले गैजेट्स, स्पेसिफिक गैजेट्स। अब बहुत सारे लोग चैनल बनाते हैं वो गैजेट्स के चैनल बनाते हैं। राइट, अब ऑफिस गैजेट्स में जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस में मुझे चेयर की जरूरत है, अलग अलग चीजों की जरूरत है। राइट, ऐसे ही जितने लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं वो भी ऑफिस ही में काम कर रहे हैं। राइट, अपने घर में भी काम कर रहे हैं तो एज अ ऑफिस ही काम कर रहे हैं। राइट, जैसे कि एक ऑफिस ही है तो वहां काम कर रहे हैं। आप भी अगर ऑनलाइन काम करते हो तो आप भी मतलब ऑफिस में ही काम करो, तो वो जो चीजें ऑफिस में जरूरत होती हैं वो भी आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। राइट, तो देखो कितना अच्छा नीश है ये और स्पेसिफिक नीश है कि ऑफिस में आपको ये ऐसे ऐसे तरह की जरूरत है, ऐसे ऐसे चीजों की जरूरत है एंड यू विल मेक मनी। राइट, तो यहाँ पर देखो काफी अच्छे अच्छे चैनल्स आपको मिल जाएंगे एंड आपको क्या करना है, देखो 9 मिनट की वीडियो है ये और इसमें 5-4.5 लाख बोल सकते हैं ऑलमोस्ट व्यूज आए हुए हैं। राइट, आप इस वीडियो को टुकड़ों टुकड़ों में काट के अपने शॉर्ट्स के चैनल पर डाल सकते हो। 6 सुपर गैजेट फॉर एनी डेस्क स्टेप मस्ट ट्राई। राइट, आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो में ऑलमोस्ट 3 लाख व्यू है और 8 मिनट की वीडियो, तो आप इन वीडियोस को अलग अलग कट करके डाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 8 मिनट की वीडियो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग गैजेट्स होंगे। राइट, तो आप इन वीडियोस को कट करके अपने शॉर्ट पे डालो, तो ये जो नीश है ऑफिस गैजेट बहुत ही तगड़ा नीश है, तो आप इसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो शॉर्ट्स पे। नेक्स्ट जो नीश है गाइज वो है गोल्फ। राइट, गोल्फ अभी काफ़ी ज़्यादा लोग शॉर्ट्स पे यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं मुझे लोगों को कैसे पता चला गोल्फ के बारे में, क्योंकि ये जो एक नीश है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सिक्योर बोल सकते हैं, सीक्रेट बोल सकते हैं और हिडन बोल सकते हैं। राइट, क्योंकि बहुत कम लोग इसको यूज़ करते थे इंडिया में, बट मैं अभी हाल ही में देख रहा हूँ काफ़ी लोग गोल्फ के नीश पे काम करने लगे हैं, बट अभी भी ये जो नीश है पूरा ब्लैंक है। राइट, बहुत सारे लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं एंड बाहर फॉरेन में ये एक ट्रेंड है, जैसे कि हमारे यहाँ क्रिकेट है ना वैसे ही वहाँ पर गोल्फ। राइट, तो ये रिच लोग खेलते हैं, तो इसमें आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आप काफ़ी अच्छे महंगी कीमतों पे सेल कर सकते हो शॉर्ट्स पे। राइट, और अगर आप शॉर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस बना के रखी है शॉर्ट्स पे कि शॉर्ट्स पे पैसे कैसे कमाएं, शॉर्ट्स पे काम कैसे करें एंड आप ट्रस्ट मी लाखों रुपए शॉर्ट्स से जनरेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे या मेरे चैनल पे कहीं पर भी आप चेक कर लो, मिल जाएंगे शॉर्ट्स की वीडियो एंड आपको पता चलेगा शॉर्ट्स पे पैसा बनाना कितना आसान है। राइट, तो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर ये गोल्फ का अपना दूसरा नीश था। तीसरा नीश मैं आपको बताता हूँ, तीसरा नीश है वो है किड्स टॉयज। अब देखो किड्स टॉयज क्यों मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा नीश है, वो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर एक सर्टेन एज मतलब कि मान लो 1 साल से 5 साल या 5 साल से 10 साल या 1 से 10 साल, इन एज
ग्रुप को आप टारगेट करके अपने शॉर्ट्स पे वीडियोस डाल सकते हो एंड उन वीडियोस में आप एफिलिएट कर सकते हो अलग अलग खिलौनों का। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको नजर में आ रही होगी, 135 मिलियन व्यूज और ये जो वीडियो है वो 19 मिनट की है। अब ये इसमें फायदा ये है कि जो किड्स है ना वो काफी ज्यादा इंगेज करते हैं यूट्यूब पे, राइट। वो अपनी वीडियोस देखते जाएंगे इस तरह के अलग अलग खिलौने के, और वो अपने मम्मी पापा से जो भी जिद करते हैं या मम्मी पापा ही उन्हें खिलौने दिलाते हैं, तो इसमें चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं सेल होने के, और प्लस व्यूज भी काफी ज्यादा आता है जिससे आपको शॉर्ट्स फंड भी हो सकता है आने वाले समय में मिले। तो ये कॉन्टेंट आप यहाँ से उठा के इसको अलग अलग टुकड़ों में काट के 10 सेकंड का 9 सेकंड का आराम से सर्कुलेट कर सकते हो अपने शॉर्ट्स चैनल पे एंड वहां अपना एफिलिएट लिंक देके काफी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। यहाँ 2 साल पहले एक वीडियो जिसकी 460 मिलियन व्यूज है, राइट। आपको पता है ये लोग कितना पैसा अर्न कर रहे हैं जो शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं और इस नीश के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है किड्स टॉयज, वो लोग काफी अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। फोर्थ की तरफ चलते हैं, तो अपना फोर्थ नीश है वो है प्लांट्स। बहुत सारे लोग इस नीश के बारे में जानते ही नहीं है। आपको पता है प्लांट जो नीश है इसमें इतना ज्यादा मार्जिन है, आई कांट टेल यू कितना ज्यादा, तो वो आप खुद ही आके चेक करना। जो आपके बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, वो गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको पता है ये एक ऐसी नीश है जो बहुत ज़्यादा माइक्रो है एंड इस नीश से मैं 2 ऐसे लोगों को जानता हूँ, दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर। यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, बट दे आर यूजिंग दिस नीश, राइट। तो ये जो नीश है प्लांट्स जिसमें पौधे उधों के बारे में जानकारी होती है, लोग उसको सेल करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आजकल एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होते जा रहा है। जैसा कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, व्यूज़ आप देख सकते हो 14 मिलियन व्यूज़ हैं, 6.8 मिलियन, 14 मिलियन एंड 9.1 मिलियन, आप ऐसे देखो 3.2 मिलियन। तो आपको पता ही चल रहा है कि इसकी पॉपुलरिटी कितनी है, बट लोग इसके बारे में नहीं जानते। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, amazon.com पे भी और amazon.in पे भी, मतलब फॉरेन में भी आप सेल कर सकते हो और इंडिया में भी कर सकते हो। इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है बट फॉरेन में बहुत ज्यादा इजी है और मार्जिन भी काफी अच्छा खासा है। तो प्लांट एक बेहतरीन नीश है। चलते हैं पांचवें नीश की तरफ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आपको पता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स नायका, अभी नायका लिस्ट हुआ और उसमें 50 से ज्यादा लोग मिलेनियर बने, और आपको पता है नायका इस समय यूट्यूब एड्स में पूरा जलवा बिखेरे हुए, राइट। तो नायका, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड आपको पता चले। तो अगर अभी तक आपने शॉर्ट्स पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अगर चैनल नहीं बनाया तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप शॉर्ट्स पे ब्यूटी का चैनल बनाएं एंड आपको अच्छा खासा रीच मिलेगा। आप जो शॉर्ट्स की वीडियोज़ हैं वो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, टिकटॉक से ले सकते हैं, फेसबुक से ले सकते हैं, ये पूरे सोर्स हैं जिनके थ्रू आप वीडियोज़ को ले सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को जाके जरूर देखना, डिटेल्ड वीडियो है कि शॉर्ट्स पे कैसे काम करेगी। आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी और यहाँ पर जो भी बटन है आपका आई बटन उसमें मिल जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ देख लो, ब्यूटी प्रोडक्ट जब मैंने टाइप किया है यूट्यूब पे, यहाँ पर कोई भी शॉर्ट्स नहीं आ रहा है, राइट। तो आपके पास चांस है, और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो शॉपिंग करती हैं वो लड़कियाँ शॉपिंग करती हैं, तो इजी हो जाएगा, इजी टू सेल हो जाएगा, आप इसको इजी सेल भी कर पाओगे, अच्छे अच्छे लोग इसको देखेंगे क्योंकि लड़कियाँ अट्रैक्ट भी करती हैं अच्छा खासा व्यू, तो आप व्यूज़ भी लेके आओगे और इजी सेल भी कर पाओगे। यहाँ पर देखो एक भी शॉर्ट नहीं आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इन वीडियोज़ को ब्रेक करो और अपने शॉर्ट्स चैनल पर यूज़ करो एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस नीश। चलते हैं नेक्स्ट पे गाइस, ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट नीश फॉर शॉर्ट्स टुडे, राइट। क्योंकि आपको पता है जो शॉर्ट्स है वो इस समय ऐसे रैंडम वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है। जैसे कि आपने कोई वीडियो ऐसा अपना मोबाइल लिया आपने और एक वीडियो बनाई कि ये मेरा घर है या ये मैं हूँ और ये मैंने नई चीज़ खरीदी है इसका नाम ये है, बस हो गया, शॉर्ट बन गया। तो ये क्या हो गया, ये एक पर्सनलाइज वीडियो है, राइट, एक ब्लॉग टाइप की वीडियो है जिसको मिनी ब्लॉग बोलते हैं। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे शॉर्ट्स अपने ट्रैवलिंग के बना के डाल सकते हो, या अगर आप नहीं करते हो ट्रैवल क्योंकि आप एफिलिएट करने वाले हो अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, तो ये जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके छोटे छोटे क्लिप उठाओ और अपने शॉर्ट्स पे डालो, 9 सेकंड के, 10 सेकंड के, 15 सेकंड के, एंड उससे के थ्रू अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल करो। तो ट्रैवलिंग भी एक बहुत अच्छा नीश है। चलते हैं नेक्स्ट पे, फैट एंड चबी वुमेन, राइट। अब वुमेन्स, अब क्या होता है, देखो लड़कियों को वैसे तो फैट होना पसंद नहीं है, लेकिन आपको पता है फैट की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बाहर,
यूएस में, फॉरेन में, या जो भी अट्रैक्ट उनकी कंट्रीज है, वहां पर फैट बहुत ज्यादा है लोगों में, राइट, वुमेन्स में, और वो लोग अपने फैट को कम करना चाहते हैं. और जो फैट को कम करने वाले सप्लीमेंट्स होते हैं या जो भी चीज़ें आती हैं, आपको पता है वो हेल्थ नीड्स में सबसे ज़्यादा सेल होते हैं. तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि एक फैट जो है उसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है. बट ये जो वुमेन्स हैं वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती हैं लोगों के सामने, जैसा कि आपको पता है फीमेल्स में ऐसा होता है. तो वो उनके लिए कुछ ड्रेसेस होते हैं, उनके कुछ इक्विपमेंट होते हैं, उनकी एक अलग फॉर्म, एक अलग एरिया है उनके, जो भी थिंग्स वो यूज़ करती हैं, जो भी सामान वो यूज़ करती हैं, राइट. तो उसके लिए आप एक फैट वूमेन या फैट फैशन ऐसा करके आप कुछ, या चबी फैशन करके ऐसे कुछ नीश पे, ऐसे कुछ वीडियोस पे काम कर सकते हैं. और मैं आपको यहाँ सामने दिखा रहा हूँ कि यहाँ फैट वूमेन की कितनी बड़ी कम्युनिटी है, राइट. तो फैट नीश जो है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं. ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन नीश है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, राइट. तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं. बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. इस वीडियो में मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं डिटेल जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैं लंबी वीडियो नहीं चाह रहा हूँ अभी चैनल पे. तो अगर आपको किसी भी नीश पे ना एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं एक एक करके डिटेल वीडियो भी बना दूंगा. तो मेक श्योर वो काम आप नीचे कमेंट में कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन से नीश पे चाहिए. तो फैट कम्युनिटी नीश जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेहतरीन है, अगर आप इसको यूज़ करते हो अपने शॉर्ट्स के लिए. नेक्स्ट, लग्जरी थिंग्स. गाइस आपको पता है लग्जरी थिंग, लग्जरी मतलब एक अलग कम्युनिटी, वो लोगों की कम्युनिटी जिनके पास पैसा है. तो लग्जरी पेजेस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पे. तो इसका मतलब क्या है कि लग्जरी चीज़ों को प्यार करने वाली एक ऑडियंस है, जिसको आप शॉर्ट्स पे अट्रैक्ट कर सकते हो अपने शॉर्ट वीडियोस के थ्रू. तो जस्ट आपको लग्जरी वीडियोस आपको मिल जाएंगे शॉर्ट्स पे, और आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के जो बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस होते हैं उसमें, आपको मिल जाएंगे टिकटॉक पे, आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. उन वीडियोज़ को आपको कट करना है, आपको पता ही है आगे तो 9 सेकेंड 10 सेकेंड, और अपने शॉर्ट्स पे डालना है और अपनी एफिलिएट लिंक लगा के अर्निंग करनी है. तो आप यहाँ पर दिखा दूँ आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं लग्जरी थिंग्स में, या लग्जरी बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी इसमें, बहुत अलग अलग कैटेगरी भी बन जाएगी. एक माइक्रो कैटेगरी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको एक लार्ज कैटेगरी बता रहा हूँ लग्जरी थिंग्स. अब इसमें कुछ वॉचेस हो सकते हैं, रिंग्स हो सकते हैं, और भी बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, राइट. तो आप जितना डीप जाओगे उतना आपको समझ में आएगा कि लग्जरी में क्या क्या और भी चीज़ें हैं, जिसपे आप काफ़ी अच्छा खासा एक शॉर्ट्स का चैनल बना के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं, गेमिंग. गाइस गेमिंग बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, उभरती हुई इंडस्ट्री है, एंड अगर आप इस पे सही से काम करते हो सो यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर एंड इन प्रेजेंट. इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे अमेजॉन पे, क्लिकबैंक पे, डिजी स्टोर पे, जिनको आप इजी सेल करके काफी अच्छा खासा पैसा गेन कर सकते हो. नेक्स्ट चलते हैं गाइज. सो दोस्तों, अब जो नीश है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट नीश. आपको पता है अब लोग बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं इन्वेस्टमेंट गेम्स पे, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है ये इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट, और क्रिप्टो के आने से तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट हो गई है. अब हर बंदा समझता है कि भाई 100 रुपये से हम इन्वेस्टमेंट गेम स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये से या 10000 रुपये से. तो अब हर बंदा इन्वेस्ट करने लगा है, छोटे छोटे ऐप्स आ गए हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट सजेशन चाहिए कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कहाँ नहीं करें. तो आप छोटी छोटी वीडियोज़ बना सकते हो अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट शेयर मार्केट, क्रिप्टो एंड ऑल द थिंग्स. तो इन्वेस्टमेंट में आप अलग अलग ऐप्स का क्या कर सकते हो, एफिलिएट कर सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनका एफिलिएट कर सकते हो एंड यू कैन मेक मनी. ऑल्सो आप बुक्स का एफिलिएट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो अलग अलग बुक्स के बारे में एंड यू विल मेक मनी. तो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो एक काफी अच्छा नीश है टू ग्रो ऑन शॉर्ट्स. नेक्स्ट जो नीश है गाइज वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट. सेल्फ इंप्रूवमेंट में ग्रूमिंग आ जाता है कि कैसे आप अच्छे दिखो, अच्छे बातें करो, अपने आप को ग्रो करो. और आपको पता है सोशल मीडिया जब से आया है लोगों ने सेल्फ इंप्रूवमेंट में काफी ज्यादा ध्यान दिया है. सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एरा. क्योंकि आपको पता है ब्रांड्स सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, जिनके ब्रांड्स होते हैं, जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं आजकल. तो आपको यह चीज समझ में आ गई कि भाई ये सेल्फ इंप्रूवमेंट जो नीश है ये भी काफी तगड़ा नीश है. तो ये जो मैंने आपको बताया है 11 नीश जो आपको लाइन बाय लाइन मैंने बताई है, अगर आपको इसमें से कोई भी नीश पे डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट कर देना, डिटेल वीडियो बनेगी. और अभी आप कमेंट करके बताओ मुझे कि भाई कैसा लगा ये 11 नीश. आपको क्या लगता है ये 11 नीश में दम था,
कौन सी सबसे पावरफुल नीश हुई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखते हुए ऐसा करके एक अपना मोबाइल उठाओ और ऐसा एक फोटो लो, या अपना मोबाइल में अगर देख रहे हो तो ऐसा एक स्क्रीनशॉट लो और मुझे इंस्टाग्राम पे, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करो, तौहीद अहमद ऑफिशियल @ तौहीद अहमद ऑफिशियल पे मुझे टैग जरूर करो। एंड मुझे देखना है कि भाई कितने लोग मेरे वीडियोस को सीरियसली देखते हैं और इतने लास्ट तक देखते हैं जस्ट इसके लिए। तो अगर आप ट्रू फैन हो तो ये काम जरूर करो, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो आगे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया नया मेहमान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दो, आपको पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।